हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल विदोदा मेकओवर। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर हेयर स्टाइल। गाइस, हाई बन हेयर स्टाइल है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे भी समर स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई पोनी या फिर हाई बन बनाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस, ये हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी है एंड आप इजीली हेयर स्टाइल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लूँगी। एंड अच्छे से कॉम करने के बाद गाइस, मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से हेयर फ्रंट से। एंड गाइस, उसको हमने बैक कॉमिंग कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही हमें बैक कॉमिंग करना है। एंड गाइस, फिर से हमने थोड़े से हेयर लेने हैं एंड फिर उसकी भी बैक कॉमिंग कर लेना है। गाइस, ये जो हेयर स्टाइल है, ये जिनके थिन हेयर हैं उनके लिए हेयर स्टाइल बेस्ट है। अगर वो अपना लुक बहुत ही अच्छा सा दिखाना चाहते हैं, हैवी सा, तो लुक क्रिएट हो सकता है बैक कॉमिंग करके। गाइस, मैंने फिर से थोड़े हेयर लिए हैं एंड बैक कॉमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, ऐसे ही आपने थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं एंड फिर उनके बैक कॉमिंग कर लेने हैं। आप देख सकते हो गाइस कि जो मेरे हेयर हैं वो काफ़ी थिन हेयर हैं, इसलिए मैं अपने हेयर को बैक कॉमिंग कर लूँगी। गाइस, बैक कॉमिंग करने से क्या होता है कि हमारे बाल एक पतले होते हैं तो थोड़े बाउंसिंग से दिखने लग जाते हैं एंड उनके में ऑलरेडी बैक कॉमिंग करने से बाउंस आ ही जाता है, तो देखने में भी लुक अच्छा लगता है। जब हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं तो वो लुक और भी अच्छा लगता है। तो गाइस, ये हमने बैक कॉमिंग कर लिया है एंड उसके बाद हमने अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हल्के हैंड से हमने कॉम कर लेना है, ज़्यादा खींच के नहीं करना है। तो इसलिए हल्के हाथों से ही आप कॉम करें। एंड उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लफ़ी सा पफ बना रही हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा कितना अच्छा सा पफ मैंने बनाया है। ज़्यादा हाईस्ट पफ नहीं बनाया है, हल्का ही पफ बनाया है, आप भी वैसे बना लें। एंड गाइस, मैं यहाँ पे बॉबी पिन से अपने पफ को सिक्योर कर दिया। एंड गाइस, देख सकते हो हमारा पफ बन गया है। एंड गाइस, मैं यहाँ पे फिर अपने सारे हेयर को ले करके एंड मैं उसको रबर बैंड से सिक्योर कर लूँगी। रबर बैंड लगा लेना है अपने हेयर में अच्छे से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो गाइस, आप एक ये भी हेयर स्टाइल कर सकते हो कि पोनी करके आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो ये भी आपका एक हेयर स्टाइल बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऐसे भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इस लुक को भी ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे रबर बैंड लिया है एंड जो हमारे हेयर के एंड पार्ट है मैंने वहाँ पे उसको रबर बैंड लगा लिया है अपने हेयर में, आप देख सकते हो। एंड गाइस, उसको फिर हमने रोल करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो आपने ऐसे ही रोल करना है। एंड उसके बाद गाइस, उसको अपने जहाँ पर हमने पोनी किया है वहाँ पर हमने इसको जूड़े की तरफ फैला लेना है। एंड गाइस, फिर उसको मैंने रबर बैंड से फिर मैंने उसको सिक्योर कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले उसको रबर बैंड से सिक्योर करें, फिर आप जो भी पिन यूज़ करते हैं बॉबी पिन आप उसका यूज़ करें। एंड गाइस, मैं यहाँ पे बॉबी पिन यूज़ कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करना है। आपको गाइस जहाँ जहाँ बॉबी पिन का नीड पड़े, ज़रूरत पड़े, आप वहाँ वहाँ पर बॉबी पिन यूज़ कर लें और अच्छे से सिक्योर कर लें बॉबी पिन के हेल्प से अपने जूड़े को। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने बन में बॉबी पिन अच्छे से लगा लिया था। एंड गाइस, आप देख सकते हो कि लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस, ये समर हेयर स्टाइल के लिए जो हेयर स्टाइल है ये बेस्ट रहेगा, जो हाई बन बनाना पसंद करते हैं समर में, तो उनके लिए हेयर स्टाइल बेस्ट है। आप देख सकते हो लुक कितना अच्छा लग रहा है एंड ये देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी ये हेयर स्टाइल ईजिली आराम से कर सकते हो अपने घर। आपको जस्ट 5 to 6 मिनट लगेंगे ये हेयर स्टाइल करने के लिए, तो आप ये हेयर स्टाइल करके बाहर भी जा सकते हो या घर में भी कैरी कर सकते हो। तो गाइस, आपने देखा ये हेयर स्टाइल कितना सुपर इजी हेयर स्टाइल था गाइस, आप इजीली इस हेयर स्टाइल को कर सकते हो गाइस एंड ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस।